गुड मॉर्निंग ऑल, दिस इज नीना एंड रिकी। वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ MS। तो आज है सैटरडे, थोड़ा टाइम मिल गया तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा खाते हैं। फिर हम कीटो में हैं तो ठीक है, कीटो भी अच्छे खाना मिलता है, अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ मुमकिन है कीटो में भी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबका फेवरेट, मुंबई या फेवरेट पाव भाजी। तो पाव भाजी के लिए पाव चाहिए होता है, भाजी चाहिए होता है, भाजी के लिए भाजी मसाला चाहिए होता है, और भाजी के लिए जो पाव भाजी का जो मसाला है उसमें पता नहीं कि क्या हमारा कीटो को फिट करेगा या नहीं करेगा। तो कीटो फ्रेंडली हम लोग अभी बनाएंगे एक मसाला जो कि हम पाव भाजी में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट तक मेरे बने रहिए, और हम लोग इसका सीरीज भी कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद इस मसाले के बाद हम इस मसाले को यूज़ करके भाजी बनाएंगे और उसके बाद पाव बनाएंगे। तो उससे पहले जो हमारा एमएस का मतलब, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं आप बोल सकते हो कि स्कूलिंग नेम इज़ द मीनाक्षी, कॉलेज नेम भी मीनाक्षी है, देन मेरे हस्बैंड का नाम श्रीकांत है। तो वी लव टू कॉल ईच अदर इज MS क्योंकि दोनों ही आ गए उसमें। ठीक है, कमिंग टू द इंग्रेडिएंट्स, आपको लग रहा होगा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। येस, आपको ऐसे पता है कि इंडियन स्पाइसेस इज डिफरेंट वेराइटी, तो होना ही चाहिए। मतलब हर मसाले का अलग सा खुशबू होता है और क्वांटम भी अलग होता है। तो मैं आपको एक एक बताते जाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा नंबर नंबर ऑफ मसाले ज़्यादा हैं तो आप लिख लो तो वो ही अच्छा रहेगा, तो गलती नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अभी शुरू करते हैं। पेन एंड पेपर पकड़ लिए या चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। और मैं भी आपको एक्चुअली पेपर में लिख के ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आपका मसाला कुछ ख़राब हो, तो मैं पेपर में लिख के ही ये क्वांटिटी जब निकाली थी तब भी लिख के रखी थी, और मैं इसको ट्राई भी की हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, प्लीज़ डू ट्राई ऑफ इट। ओके, तो अभी हम शुरू करेंगे जो कि ये मसालों में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जीरा। तो ये हमारा जीरा है, ये शाही जीरा नहीं है, ये नॉर्मल जीरा है। तो नॉर्मल जीरा आप हाफ कप कर सकते हो, नहीं तो मैंने क्या कि मेरे इजी के मतलब इजी मेजरमेंट होगा बोल के मैंने जो बिरयानी में जो मसाला यूज़ की, मसाले के लिए जो स्पून यूज़ की थी वही स्पून में मैंने 8 स्पून्स ली, तो बाकी फिर मेजरमेंट मुझे ईजी रहेगा। तो ये मेरा स्पून है, ये मेरा स्पून का साइज़ है या तो जीरा मेरा 8 स्पून जीरा है, और हाफ कप जीरा आप ले सकते हो। फिर अभी ये आ गया, इसको मेस भी बोलते हैं हम लोग, ये आप देख सकते हो जावित्री मेस। तो ये आप 4 से 5 ले लो, और ये हम लोग सुंठी बोलते हैं, पता नहीं आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। तो ये है, ये जिंजर का ड्राई वर्जन है, तो ये इसमें मेडिसिनल क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं कभी होगा ना तो मेरी मम्मी का सीक्रेट रेसिपी में बताऊंगी, अभी ठंडी खांसी में तो बहुत ज़रूरत होता है। पर कमिंग टू, ये जिंजर पाउडर है, मतलब इससे ये सुनती है, इससे आप लोग जिंजर पाउडर बना सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप ये भी ऑप्शन कर सकते हो, मेरे पास ये था जिंजर पाउडर पर ये ख़त्म हो गया है, बट स्मेल सेम ही होता है, मतलब थोड़ा सा तो अच्छा होता है, थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे जिंजर मतलब सुंठी को अगर पाउडर करेंगे तो उसका तो स्मेल अलग ही होगा, नहीं तो भी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जिंजर पाउडर। फिर ड्राई जिंजर, तो अगर आप मार्केट पे जा रहे हो तो ये ड्राई जिंजर करके बोला जाता है। ठीक है, अभी ये हो गया, ये भाई साहब को तो आपने पहचान लिया, इनका भी क्वांटिटी पता चल गया। अभी ये हमारा धनिया है, धनिया अगर आप देखोगे जीरा, ये अगर मसाला आप सारा देखोगे तो जीरा का क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि पाव भाजी में हमारा जीरा का स्मेल ज़्यादा होता है। तो जो धनिया है आप 2 स्पून ले लीजिएगा। फिर ये है सौंफ, हम लोग इसको पानमोरी भी बोलते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है हाजमे के लिए, तो ये फिर 2 स्पून। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लौंग है, ये लौंग 1 ही स्पून लीजिए। देन एक्चुअली अगर आपके पास काली कार्डमम है तो आप और 2 भी ले सकते हो, मेरे पास 2 था पर काफ़ी रहता है 2 क्योंकि इसमें नहीं तो वो फिर मसाले का, हमें एक्चुअली पाव भाजी में जीरा का स्मेल ज़्यादा चाहिए होता है तो इसलिए जीरा का स्मेल आना चाहिए, तो मैंने ब्लैक कार्डमम 2 ली थी और ये मैं कम्बिनेशन में बनाई हूँ, बहुत अच्छा स्मेल आता है। और 5 ग्रीन कार्डमम ली हो, और ये 4 से 5 स्टिक्स।
आप ऐसे देख लो कि एक टेबल स्पून हो जाना चाहिए पाउडर में, तो वो मेजरमेंट में, तो मुझे 4 से 5 अगर लेती हूँ तो 1 स्पून हो जाता है पाउडर। और ये स्टार अनास, और ये आप देख सकते हो, ये स्टार फ्लावर भी बोलते हैं, तो इसका आप 3 ले लो। ठीक है, अभी और कोई रह गया क्या? और कोई भाई साहब रह गया क्या? नहीं, सब हो गए, कवर हो गए। अभी पाउडर में आप दो ऑप्शन है, आप रेड चिली ले सकते हो, मतलब रॉ रेड चिली, उसको भी पाउडर कर सकते हो, नहीं तो आप चिली पाउडर भी कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हो। और अगर चिली पाउडर ले रहे हो, आपके पास अगर कश्मीरी चिली है और तीखा चिली है, तो आधा आधा ले लो, पर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, तो पर मेरा ये तीखा एंड कलर दोनों दे देता है, तो इसलिए मैंने इसका 1.5 स्पून ली हूँ। मैं तो कम तीखा खाती हूँ, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप डाल सकते हो। तो ये है हमारा मैंगो पाउडर, ये ऑप्शनल है इस किटो में हमारा, काप्स का क्वांटिटी, तो पर ये मतलब मसाला तो हमारा थोड़ा ही यूज होगा, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। स्टिल अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो इसको। तो ये अगर आप डाल रहे हो तो ये आपको 2 स्पून डालना है। फिर नमक 1 स्पून, ये मैंने पिंक सॉल्ट ली हूँ, तो पिंक सॉल्ट 1 स्पून मैंने डाला है। अगर आपको चाहिए और 1 स्पून भी डाल सकते हो, पर टेक केयर के आप जब करी बना रहे हो, जब भाजी बना रहे हो, तब उसका नमक थोड़ा कम करोगे जैसे, नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा आपकी सब्जी में। हल्दी 1 स्पून। तो ये है मेरा टोटल इंग्रेडिएंट्स, आप देख सकते हो, होगा पॉसिबल तो मैं इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट एंड उसका क्वांटिटी आपको दे दूंगी। ठीक है, चलिए अभी तो मेरा काम हो गया, अभी रिकी का काम शुरू है, तो हमने अपना काम डिवाइड कर दिया। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो ये लॉकडाउन में? और हमें कुछ भी हम करते हैं ना, हम प्रिफर करते हैं कि उसका काम का डिवाइड कर दें। तो जैसे अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो अभी हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर, तो इसको पहले आप हाई फ्लेम में ही रख सकते हो गर्म होने के लिए, अभी गर्म हो गया है। तो एक एक मसाले को हम लोग क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बिरयानी मसाला में बोली थी कि ड्राई रोस्ट करना है हमें, जलाना नहीं है, तो 1 मिनट, तो एक एक को हम लोग सिर्फ ड्राई रोस्ट करके निकाल देंगे। तो अभी हम, क्योंकि जो उसके अंदरूनी खुशबू है उसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और जलाना तो बिल्कुल ही नहीं है। तो शुरू करते हैं, जीरा डाल देते हैं, जीरा, धनिया, पान मोरी, वो पहले हम फ्राई कर लेते हैं, वो एक ही कैटेगरी के हैं तो वो फ्राई हो ही जाएंगे। तो अभी हमने जीरा डाले, तो आप अपना सैटरडे संडे कैसे ये करते हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमें तो ऐसे सैटरडे संडे में कुछ कुछ करने को मन करता है, ऐसे जैसे के कुछ जो के काम से अलग हो, मतलब डे टू डे लाइफ के काम से अलग हो। तो होप आपको हमारा ये सब वीडियोस अच्छा लग रहा होगा, हमारा इनिशिएशन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम दोनों को खाना बनाना बहुत पसंद है। मुझे दुनिया में सारा चीज़ बनाने के लिए पसंद है सिवाय रोटी, खाने को भी पसंद नहीं है, बनाने को भी पसंद नहीं है। पता नहीं, बचपन से ही ना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है रोटी, खाने को भी पसंद नहीं है और बनाने के लिए अभी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं हो रहा है, और मैंने बना भी दिया रिक्की को ऐसा ही। तो अभी अभी हम फ्राई कर रहे हैं, ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब तक हम लोग, तो अभी आप देख सकते हो गया ये जस्ट अभी कितना मेरा 1 मिनट में ही, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड में अच्छा खुशबू आ गया है। बस अभी इसको निकाल देते हैं, रिकी इसको निकाल दो अभी, अभी हम इसको निकाल देंगे। आप उनको साइड करके रखिएगा, दूसरे वाले लोग भी आने वाले हैं तो मिल बांट के रहेंगे। जवान खत्म। हे जवान खत्म नहीं है, ये मसाला चल रहा है, तो जो ड्राई फ्राई का फ्रेज वन खत्म है, ट्रू। हाँ, फिर अभी और बाकी सब डाल दीजिए, विच वन? सब कुछ डाल दीजिए, जायफल को छोड़ के, क्योंकि जायफल नहीं चाहिए इसमें, आपको बोली थी ना जायफल आपको फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको कूट के आप डाल दो तो हो जाएगा। तो अभी जो हमने इंग्रेडिएंट्स किए थे उसको भी रोस्ट कर देंगे, ड्राई रोस्ट करना है हमें। कितना आसान सा है मसाला, और हम जाते हैं मार्केट लाने के लिए, मार्केट से तो आसान नहीं है, मार्केट से आप दुकान जाओगे तो
और उठा के ले आओगे खरीद के, वो तो और ही आसान है। पर सी, खुद के बनाए हुए मसाले से पाव भाजी बनाओ या कुछ भी मसाले के साथ बनाओ, उसका स्वाद ही अलग होता है, क्योंकि उसमें मेहनत जुड़ा होता सेफ्टी है भी होता है। एंड सेफ्टी भी होता है मोर, या जैसे रिकी बोल रहे ना, सेफ्टी भी होते हैं। तो अभी के कोरोना के टाइम पे ना, सेफ्टी मेजर से लौट। तो यस, आप बोल सकते हो कि ये स्पाइसेस तो लाने के लिए बाहर को जाना ही पड़ेगा, ट्रू, वो तो सही है, पर ठीक है, उसका आप ख्याल रख लेना, एक दिन पहले ही लाके उसको अलग से रख देना, देन आप यूज़ कर लेना। तो हो गया है, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, इसको निकाल देना है और इसको ठंडी करके रख लेना है, ठंडी करने के लिए। जब तक मसाला ठंडी हो रहा है, मैं सोची आपको मछलियों से मिला देती हूँ। देखिए कितना हवा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि तूफान आने वाला है, पता नहीं इसी को ही तो तूफान बोलते हैं। तो आप देख सकते हो भाई सब मछलियाँ क्या कर रहे हो यार, मैंने इनको चंगू और मंगू नाम दिया, चंगू मंगू, देखो चंगू मंगू और चंगू वन मंगू वन पार्ट, तो मजे ले रहे हैं यार, इतना अच्छा हवा हो रहा है। बाहर का भी आपको दिखा देता हूँ, बारिश नहीं है सुबह इतना, मतलब 6-7 बजे तो बारिश था ही, पर हमारे लिए तो 6-7 बजे, हम तो उठते ही नहीं है तो क्या पता चलेगा, पर यस बारिश था 6-7 बजे, फिर उसके बाद तो बारिश नहीं है, देख सकते हो, ये देख सकते हो। वन मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, आज तो पहाड़ दिख ही नहीं रहा है यार, पूरा क्लाउडी है, बहुत क्लाउडी है। तो अभी हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, ये वाला भी हमने कढ़ाई में रखा था, वो भी ठंडा हो चुका है, देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जायफल को कूट देंगे, थोड़ा कूट दो, जितना गुस्सा है निकाल दो उसके ऊपर, ज्यादा गुस्से की जरूरत नहीं है। पाउडर हो गया, पाउडर नहीं होगा, ये ऐसे दरदरा सा रहेगा, और आपका ग्राइंडर में आप डाल दोगे तो वो पाउडर हो ही जाएगा, तो ग्राइंडर इसको का हम लाइट लोग, पड़ जाएगा। हाँ डाल दो। अभी बाकी भी ड्राई मसाला डाल दो, छोड़ दो उनको, दालचीनी भी थोड़ा कूटूं? हाँ पर ये डालचीनी छोटे छोटे हैं, आप डाल सकते हो उसे। थोड़ा सा पाउडर कर दिए हम लोग, मतलब दरदरा कर दिए, तो इजी रहेगा करने के लिए बोल के ग्राइंडर को, तो अभी डाल देंगे वो भी हम लोग। तो अभी ये सारे जितने भी जीरा एंड धनिया एंड उस ये इसको छोड़ के बाकी सबको हम, अभी आप देख सकते हो सब पाउडर हो गया है, और थोड़ा अगर पाउडर करना है, और थोड़ा सा करना है हमें, तो ये बन जाएगा, तो इसको हम डाल देंगे अभी। मस्त मस्त। नेक्स्ट हमारा जीरा धनिया उसका पाउडर बनाएंगे, तो अभी जीरा पाउडर को भी डाल देंगे ग्राइंडिंग के लिए। अभी आप देख सकते हो, पर थोड़ा थोड़ा जीरा है, तो जब भी आप करते हो तो इसको बीच में ले लो, फिर से और थोड़ा ग्राइंड कर लो। अभी आप देख सकते हो ये पूरा पाउडर हो गया है, मैं ग्राइंडिंग का टाइम स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आपका कान खराब हो, कि जितना भी साइलेंट वाला ग्राइंडर करके आप लेके आओगे फिर भी उसका साउंड होगा ही, और हो गया अभी, तो अभी हम निकाल सकते हैं। तो अभी मिक्सिंग टाइम आ गया, मिक्सिंग मिक्सिंग, तो अभी हम लोग और अभी हम नमक भी मिला देंगे, नमक हल्दी और हमारा जो मिर्च पाउडर, ये गया नमक हल्दी, फिर हमारा मिर्च पाउडर, जैसे मैंने आपको कहा था कि बोली थी कि ये जो मैंगो पाउडर है ये ऑप्शनल है, पर वो खटास नहीं आएगा वो ये, फिर हम इसको पूरा मिक्स कर लेंगे, मिक्सिंग 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 मिक्सिंग, अच्छे से मिक्स करना है,
जितने भी लॉम्स है कुछ भी है उसको आप प्रेस कर दोगे तो निकल जाएगा। पूरे से अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी आप इसको छन भी सकते हो, मैं छन छन्नी में नहीं छनती हूँ, पर आप छन भी सकते हो, वो ऑप्शनल है। कि अगर आपका मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप छन लोगे ना, तो दैट्स वो एक टिप्स है, आपका अच्छे से मिक्स हो जाता है। और आपका जो भी जो मसाले का जो भी पिसा पिसा नहीं होगा वो रहा होगा ना, तो वो भी आपका निकल जाएगा। पर हो गया, अभी आप देख सकते हो मस्त स्मेल आ रहा है पाव भाजी का। तो अभी टाइम फॉर मेकिंग द पाव भाजी। तो इसको आप ग्लास के जार में रख सकते हो, और ये आप 2-3 महीने तक तो यूज कर ही सकते हो। ओके सो आपको ऐसे ही अगर वीडियोस देखना है तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब क्या है सब्सक्राइब, या प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक माई चैनल। एंड यस मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी इसका सीरीज है, अभी हमने आपको पाव भाजी मसाला बनाने का बताया है, तो आप जब तक पाव भाजी मसाला बना लोगे तब तक हम आपके पास भाजी लेके आ जाएंगे। पाव भाजी का मसाला नहीं है, भाजी का मसाला है, फिर पाव का भी रेसिपी लेके आएंगे। थैंक ऑल यू, आर कीटो फ्रेंडली। ऑल आर कीटो फ्रेंडली, इट्स रिकी टोल्ड। या थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, या एंजॉय योर कीटो।